हेलो दोस्तों, मैं विष्णु प्रसाद और आप देख रहे हैं टेक रिव्यू। दोस्तों आज हम बात करने वाला है डोमेन परचेस के ऊपर, ठीक है। तो आप कैसे चीप रेट में डोमेन को परचेस कर सकते हैं, वो भी जो डोमेन आपको लग जाता है अराउंड 1200 रुपीज, आपको मिल जाएगा ओनली 85 रुपीज में। तो वीडियो को देखते रहिए और आपको पता चल जाएगा कि कैसे ऑर्डर करना है, वो भी 85 रुपीज में, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब भी मैं डोमेन परचेस कर रहा था .com वाला डोमेन, जो कि हाई क्वालिटी डोमेन है आपको पता है, तो उसे परचेस करने के टाइम पे मुझे आ रहा था 1200 रुपीज, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वीडियो प्रूफ के साथ लास्ट में दिखाऊंगा कि कैसे मैं उसे 85 रुपीज में मैं खरीद पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, आप भी कैसे खरीद सकते हैं उसे मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर आप तो कूपन कोड क्या देना है, क्या है वो सारे का सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाके GoDaddy पे एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी फ्रेश अकाउंट, ठीक है। तो फ्रेश अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, पुराना अकाउंट से कूपन कोड काम ही नहीं करता है, तो इसलिए आपको फ्रेश अकाउंट एक बनाना है। उसके बाद GoDaddy से अकाउंट आप जब बना लेंगे, उसके बाद आप जो भी आपका जो भी डोमेन आपको परचेस करना है, जैसे कि मेरा जो डोमेन है वो technicalvishnuji.com, जो .com वाला डोमेन है वो अवेलेबल हुआ, तो उसे मैं परचेस करने गया। तो परचेस करने के टाइम पे वहां पे 1200 रुपीज के आसपास मेरे को पड़ा लगा। तो मैंने उसे कैसे किया ना, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कूपन कोड देना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं वीडियो में दिखा दूंगा कि कौन सा कूपन कोड देना है। तो उसके बाद आपको नीचे आके एक ऑप्शन मिल जाता है USD का, ठीक है। तो आपको एक चीज देखना है कि वहां पे USD होना चाहिए, ठीक है। तो USD होने के बाद आपको जब ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तभी आपके पास एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने के लिए एक कार्ड होना चाहिए, जिसके मदद से आप उसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और आपको 85 रुपीज में डोमेन नेम फॉर द फर्स्ट टाइम आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देखिए और आई होप इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा जरूर कि कैसे डोमेन को परचेस करते हैं, वो भी चीप रेट पे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।